आज प्रधानमंत्री चुनाव मैदान में नहीं निकले, लेकिन अगले पांच चरण का प्लान बना दिया। अगले पांच चरण जीतने के लिए बीजेपी ने पांच तरह के नए चक्रव्यूह रचे हैं। पांच फेज का चुनाव बाकी है, इसलिए फाइव स्टेज वाली रणनीति स्ट्रैटेजी बनाई गई है। इस नई रणनीति में मोदी को क्या करना है, योगी को क्या करना है और आरएसएस को क्या करना है, मतलब प्रधानमंत्री से लेकर पन्ना प्रमुख तक और आरएसएस के स्वयं सेवकों तक, किसको क्या करना है, सब क्लियर हो गया है। यूपी में 290 सीटें बची हुई हैं। पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या रोल निभाएंगे, बीजेपी को कहां इस वक्त थोड़ी सी कमी नजर आ रही है, कहां इस वक्त बीजेपी थोड़ी सी आगे चल रही है, इन सब पर फोकस किया जा रहा है। 320 से 325 सीट का जो टारगेट रखा गया है, वो टारगेट कैसे अचीव होगा, होगा भी या नहीं होगा, इसकी स्ट्रेटेजी रोज बनाई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश जीतने का सिंगल फॉर्मूला क्या है, समझते हैं इस रिपोर्ट से। नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा दांव, ऐसे जीतेंगे यूपी और पंजाब का चुनाव। बीजेपी विनिंग यूपी, पंजाब विथ मोदी टॉप ट्रेंडिंग है। इसके पीछे मोदी वाला ही मैजिक है। अखिलेश के लिए बुरी खबर है, यूपी में बीजेपी को ही बढ़त है। प्रियंका को सेटबैक लगना तय है। यूपी के बाकी बचे पांच चरणों में मोदी, योगी का करिश्मा ही डिसाइडिंग फैक्टर है। योगी है उपयोगी भैया, उपयोगी है योगी, उपयोगी है योगी भैया, योगी है उपयोगी। पहले फेज में 58 सीटों पर 61% वोटिंग, दूसरे फेज में 55 सीटों पर करीब 64% वोटिंग, तीसरे फेज में 59 सीटों का पॉलिटिकल कैलकुलेशन क्या होगा। फिलहाल मोदी और योगी का सारा सियासी इक्वेशन इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। शुरुआती दो फेज में जहां ज्यादा मुसलमान वहां ज्यादा वोटिंग का मतलब क्या है, थोड़ी देर में समझाएंगे। पहले तीसरे फेज की बात करते हैं। राउंड थ्री में सारे सियासी दल मुस्लिम जाट बेल्ट से निकलकर सेंट्रल यूपी के यादव बेल्ट और बुंदेलखंड की सीटों पर जोर आजमाइश करेंगे। वोटरों के बदलते समीकरण के साथ ही तीसरे चरण से चुनावी मुद्दों और भाषणों की टोन भी बदली बदली दिखाई दी। ध्रुवीकरण की कोशिशों वाले धार में भावनात्मक बयानों की जगह लोकल मुद्दों ने ले ली, लेकिन यहाँ भी योगी ने अपनी अटैकिंग लाइन नहीं छोड़ी, जीत का दावा नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रथम दो चरण में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। तीसरे चरण में 20 फरवरी को चुनाव होने हैं, 20 फरवरी को 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। फिरोजाबाद में पांचों के पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई जा रही है। इटावा में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो मेंढपुरी में भी चारों सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीतना चाहिए ना। मैं यहां के बाद अभी करौली जा रहा हूं और यही बांके बिहारी लाल ने भी यही मुझसे आदेश किया है कि मेंढपुरी के बाद करहल चले जाएंगे तो चारों सीट भारतीय जनता पार्टी की। तीसरे राउंड का चुनाव प्रचार अब थम गया है। मोदी ने अपना काम कर दिया है, योगी ने बीजेपी को पॉलिटिकल माइलेज दे दिया है, मगर अब शुरू होने वाला है असली काम। यानी बूथ मैनेजमेंट, पहले मतदान फिर जलपान। इस टारगेट को अचीव करने के लिए यूपी के गली मोहल्लों में पर्चे बंटने शुरू हो गए हैं। हर घर का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, किसे क्या करना है, कैसे करना है अब समझाया जा रहा है, और इसमें आरएसएस का बहुत बड़ा रोल है। काशी से लेकर अवध और बुंदेलखंड से लेकर मथुरा तक आरएसएस के कारसेवक घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि वो किसी पार्टी या उम्मीदवार का प्रचार नहीं कर रहे। उदाहरण के लिए एक सैंपल देखिए। आपको पता है उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। अपने 23 तारीख को इलेक्शन है। हम लोग लोक जागरण मंच अवध प्रांत से हैं। आपको
ये जो लोकतंत्र का महापर्व है इसमें वोट डालने जरूर जाना है। पहले मतदान फिर जलपान। आपका वोट बहुत कीमती है, अपने वोट को आप सार्थक बनाइए। 20 सेकंड के वीडियो में न बीजेपी का नाम आया, न कांग्रेस का, न सपा का, मगर फिर भी संघ जब मैदान में उतरता है तो सिर्फ एक ही पार्टी को फायदा होता है, यानी बीजेपी। 22 के लिए संघ ने एक नया फॉर्मूला रेडी किया है। इस बार का वोट राष्ट्र के नाम डेडिकेट किया है। इस मिशन को अचीव करने के लिए इस वक्त यूपी में दो प्रोग्राम एक्टिव हैं। पहला लोक जागरण मंच प्रोग्राम और दूसरा जागरूक मतदाता मंच प्रोग्राम। लोक जागरण मंच प्रोग्राम में अहम चुनावी मुद्दों को शामिल किया गया है। अलग अलग पैम्पलेट्स में 15 मुद्दों को डाला गया है। इन मुद्दों में राम मंदिर टॉप पर है, 24 घंटे बिजली का जिक्र है, महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा एक्शन, किसान, शिक्षा, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A हटाना, सरकारी नौकरी में जातिवाद और भ्रष्टाचार खत्म करना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वैश्विक मंच पर देश का बढ़ता मान। लोगों से इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने की अपील की जा रही है। ऐसा करते वक्त किसी पार्टी या उम्मीदवार का नाम नहीं लिया जाता, सिर्फ इस बार वोट राष्ट्र के नाम का मैसेज दिया जाता है और वोटर समझ जाते हैं कि किसे वोट देना है। आप कैसी सरकार चुनना चाहेंगे, उसे जो शुरू से श्री राम मंदिर बनाने के पक्ष में खड़ा रहा और उसे उसके लिए जो संघर्ष किया उन्हें, और दूसरी तरफ ये है वो लोग हैं जो राम मंदिर का विरोध करते रहे, मस्जिद या अस्पताल बनाने की बात करते रहे, जो संपूर्ण प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने वाला है, या उनको जो अपने गृह जिलों की विशेष चिंता करते हैं वहाँ 24 घंटे बिजली देते थे केवल 2 जगह, जो मतदाताओं बहनों बहुओं को सुरक्षित आने जाने का माहौल देता है ऐसे लोगों को चुनना है, अथवा उसे जिनकी सरकार में महिलाएं जिनमें अकेले निकलने में सुरक्षित महसूस करती है, जो भारत के टुकड़े टुकड़े होने की बात करते हैं ऐसे लोगों के पक्ष में मतदान करेंगे, ये आपको विचार करना। इस अभियान में स्थानीय मुद्दे तो है ही, लेकिन मेन फोकस राष्ट्रवाद पर ही है। राष्ट्रवाद को नैरेटिव बनाने के लिए किसान, महिलाएं, युवा, सबको जोड़ा जा रहा है, सबसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया जा रहा है। प्रोग्राम नंबर 2 के तहत यूपी के बाकी फेज के लिए आरएसएस का फोकस ये है कि हिंदू मतदाता वोट करना ना भूले, एक एक हिंदू घर से बाहर निकले और पोलिंग बूथ तक पहुंचे। फोकस उन इलाकों पर ज्यादा है जहां मुस्लिम आबादी 30% से अधिक है और हिंदू वोट संगठित है। हिंदू वोटर्स को घर से बाहर निकालने के पीछे की एक वजह यूपी के शुरुआती 2 फेज हैं। अखिलेश की नजर शुरू से ही दूसरे चरण की सीटों पर थी क्योंकि यहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है। जिन 9 जिलों में दूसरे चरण के तहत वोटिंग हुई उनमें से 6 जिलों में 40% से अधिक मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम वोटर्स ने मतदान में भी उत्साह दिखाया। रामपुर में 50% से ज्यादा, मुरादाबाद और संभल में 47%, बिजनौर में 43%, सहारनपुर में 41% और अमरोहा में 40% से ज्यादा मुस्लिम है। एक अनुमान के मुताबिक इस बार इन सीटों पर मुसलमान वोटर्स ने 65-70% तक मतदान किया है। 2017 में यह आंकड़ा 50% था, यानी 50% मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वोट ही नहीं डाले थे, लेकिन इस बार 15-20% वोटिंग ज्यादा हुई है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि शुरुआती फेज में मुस्लिम मतदाता जानते थे कि उन्हें किसे और क्यों वोट करना है, यानी बाकी बचे 5 चरणों में हिंदुओं का वोट आर या पार की लड़ाई में तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। इसलिए काशी से लेकर अवध और बुंदेलखंड तक आरएसएस एग्रेसिव अप्रोच के साथ काम कर रहा है और योगी ने सीधे पब्लिक के बीच मोर्चा संभाल रखा है। बाबा का बुलडोजर अभी रेस्ट कर रहा है। योगी का दावा है कि 10 मार्च के बाद उनका बुलडोजर एक बार फिर फुल स्पीड में माफियाओं पर चलने वाला है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुझसे कहे कि अब चुनाव के दौरान तो बुलडोजर नहीं चलेगा, मैंने कहा चिंता मत करो, कभी कभी उस बुलडोजर को रेस्ट भी चाहिए होता है। तो चुनाव के दौरान मैंने पूरे प्रदेश के बुलडोजर को मरम्मत के लिए भेजा हुआ है। तो लोगों ने कहा क्या करेंगे इसके बाद, मैंने कहा उसका असली काम तो 4.5 वर्ष तक जो लोग अपने बिलों के अंदर छुपे हुए थे और चुनाव की घोषणा के बाद जब बिलों से आके रेंगने लग गए हैं, अब चिन्हित हो गए हैं,
10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर का काम जब प्रारंभ होगा तब के लिए हम मरम्मत करवा रहे हैं, चिंता मत करो। अभी योगी ने चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले करहल, कानपुर, मैनपुरी, उन्नाव में चुनावी माहौल बनाया, मगर योगी की हर रैली में सबसे बड़ी हेडलाइन अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में फांसी की सजा पाने वाले एक आरोपी और उसका समाजवादी कनेक्शन था। योगी ने कानपुर से इसकी शुरुआत की, फिर सोशल मीडिया पर वो किस्सा सुनाया और तय मानिए योगी के हाथ एक बहुत बड़ा मौका लग गया है, अखिलेश का नुकसान होना कन्फर्म। मैं अभी थोड़ी देर पहले अहमदाबाद की एक न्यायालय के फैसले को पढ़ रहा था। अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ थे, कई लोग मारे गए थे और भाइयों बहनों उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है। उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। अब अनुमान कर सकते हैं आपको आतंकवादियों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाले, आतंकवादियों के हित चिंतक और उनके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने वाले राजनीतिक दल को चाहिए, चुनाव जिताना है या आपको सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की ओर ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को, और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। वैसे आज उत्तर प्रदेश से ज्यादा हलचल पंजाब की राजनीति में हुई। एक साथ पंजाब में एक ही दिन 117 सीटों पर चुनाव होंगे। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल तो एक्टिव थे ही, कुमार विश्वास भी बहुत एक्टिव थे। उत्तर प्रदेश से ज्यादा तीखी जुबानी जंग पंजाब में हुई। एक ऐसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसकी शुरुआत होती है प्रधानमंत्री के घर से लेकिन रास्ता जाता है पंजाब तक। जो यूपी का फॉर्मूला है मोदी विरोधी, वही फॉर्मूला पंजाब में लेकर आ गए। लेकिन वो ये भूल गए कि ये मोदी हैं, लीग से हटकर सोचते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। एक उदाहरण देखिए, आज पंजाब से लेकर देश के कोने कोने तक मोदी की ये तस्वीरें ट्रेंड कर रही हैं। मोदी ने पंजाब में सिख भाइयों को क्लियर मैसेज दे दिया है कि प्रधानमंत्री सिखों के हैं और प्रधानमंत्री का घर भी सिखों का ही है। आप लोगों के बीच में रह करके जो मैं सीखा हूँ, जो गुरु महाराजों ने सीख दी है, सब तो नहीं कर पाता हूँ लेकिन जितना कर पाता हूँ उसी से मुझे आशीर्वाद मिलते हैं और मैं कर और ज़्यादा करने का मन करता है। तो मैं आपको कहता हूँ ये घर आपका है, मैं भी आप ही की तरह चलते चलते आया हूँ, कल चलते चलते कि गुरुद्वारे चला जाऊँ। राहुल से लेकर प्रियंका, सिद्धू, चन्नी और केजरीवाल तक चुनाव जीतने के लिए ये सारे मोदी के खिलाफ माहौल तो खूब बनाते हैं, मगर ये तस्वीरें बताती हैं, मोदी की एक एक बात बताती है कि उनके लिए पंजाब और पंजाबियत के क्या मायने हैं। गौर से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। नीचे छूना नहीं चाहिए, कुछ भी नीचे नहीं छूना चाहिए। पंजाब में वोटिंग से पहले सिख हस्तियों से प्रधानमंत्री की मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। विरोधी इसमें सियासी माइलेज ढूंढ रहे हैं, मगर सच तो ये है कि सिखों से, सिख धर्म से मोदी का रिश्ता आज का नहीं, सालों पुराना है। मोदी की एक एक तस्वीर इस रिश्ते की गवाही दे रही है और ये सिर्फ मोदी तक सीमित नहीं है। बतौर प्रधानमंत्री मोदी ने और उनकी सरकार ने सिख धर्म के लिए जो जो किया सब सार्वजनिक है। विरोधी इसमें भले ही सियासत करें लेकिन खुद मोदी से सुनिए उनके लिए सिख समुदाय के क्या मायने।
अरे सेवा मुझे करनी है आज सेवा आज मुझे करनी है। हमारे यहाँ गुजरात में तो कहा जाता है कि जब संतों की महापुरुषों की चरण रज आपके घर में पड़ती है तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। तो आज आपकी चरण रज मेरे घर में हुई है, ये मेरा सौभाग्य है। इमरजेंसी के दौर की ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी। मोदी ने अपना वेश बदला था, सिख का रंग रूप अपनाया था। आज उन्होंने कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इमरजेंसी की कहानी सुनाकर, करतारपुर कॉरिडोर की हिस्ट्री बताकर, बिना कांग्रेस की सरकारों का नाम लिए उनकी गलती बताकर सिख भाइयों को एक इशारा जरूर दिया। ये देश कोई 47 में पैदा नहीं हुआ है जी, हमारे गुरु महाराजों ने कितनी तपस्या की है इमरजेंसी में। बहुत बड़ा हमारा जुल्म हम सब पे हुआ और मैं तो ये तो बराबर पता है उस समय है पंजाब में जो सत्याग्रह हुआ था इमरजेंसी के खिलाफ, वो तो बड़ा अद्भुत था जी। अब मैं उस समय अंडरग्राउंड रहता था, तो अंडरग्राउंड रहना है तो कुछ कपड़े वपड़े बदलने पड़ते थे, तो मैं सीखे के कपड़ों में ही रहता जी मैं पगड़ी पहनता था। गुजरात का होने के नाते हमेशा कहता हूँ कि मेरा तो आप लोगों से खून का रिश्ता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहले पंच प्यारे थे उसमें एक मेरे गुजरात का द्वारिका का था जी। गुरु नानक देव जी के जीवन में साहब उन्होंने जीवन की साधना का सबसे ज़्यादा समय जहाँ बिताया, वो स्थान हमारे पास न हो, 6 किलोमीटर दूर समझौता करके हम नहीं ला सके था। मैंने भी डिप्लोमेटिक चैनल शुरू की कम से कम, क्योंकि दूरबीन से साहब सब लोग, मैं भी दूरबीन से देखता था पहले जब पंजाब रहता था मैं भी दूरबीन से दर्शन करता था जी, तो मेरा मन करता था कि भाई कुछ तो करे, कि ऐसा पवित्र काम था, गुरु महाराजों का आशीर्वाद था कि हो गया। विरोधी जहां से सोचना शुरू करते हैं मोदी उनसे एक कदम आगे ही रहते हैं। पंजाब में वोटिंग से पहले मोदी आखिरी ओवर में 20-20 खेल रहे हैं, जबकि विरोधी कंफ्यूज हो गए हैं। केजरीवाल पंजाब में बीजेपी के हिंदू वोट में डेंट लगाने की फिराक में है, मगर वोटर्स को पता है हिंदू वोटर तो मोदी के साथ है, अब सिख वोटर्स को भी मोदी पर ही भरोसा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दे ग्रह विखे सारिया संस्थावां दे साडे धार्मिक संस्थावां और देश दीआं प्रमाणित हस्तियां अज इत्थे इकट्ठियां होईआं ने। प्राइम मिनिस्टर जी हैं जिन्होंने साहिबजादों के सम्मान को हर हृदय तक पहुँचाने का एक सफल प्रयास किया है। मैं सोचता हूँ आपका हृदय एक सिख हृदय है। अमृतसर में आपको मिले थे जी, और उसके बाद आज मिले। कितना साल हो गया जी। मोदी जी बड़ी कृपा आपकी जो आप कर रहे हो, परमात्मा हम तो दुआ करने आए हैं कि आपको और ताकत मिले और सिखों को जो हम सारी उम्र ये था कि हमारा भी कुछ देखेगा, आप कर रहे हो इससे ज्यादा करो, परमात्मा आपका भला करे। अब मुझे बताइए साहब कोरोना में ये आप ही लोग हैं जिनको ऑक्सीजन का लंगर लगाने का मन कर गया, ये छोटी बात नहीं जी। अब मुझे बताइए अफगानिस्तान से इतना अभी भी हमारा कोई वहाँ हवाई जहाज जाना आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब सम्मान से वापस आना चाहिए, तो हमने उस व्यवस्था की दुनिया के देशों से बात की, यहाँ तक लाने के लिए स्पेशल प्लेन का प्रबंध किया, और मैंने मेरे मंत्रियों को माना कि भाई देखिए मैं मानता हूँ ये मेरे लिए सेवा का बहुत बड़ा अवसर है, आप जाइए। सिरसा जी भी गए, हमारे हरदीप पुरी जी गए, सर पर गुरु ग्रंथ साहब को लेकर के साहब सम्मान के साथ, क्योंकि ये क्योंकि मैं मानता हूँ जी ये हमारे जीवन की बहुत बड़ा अनमोल रत्न है, सही अनमोल रत्न है जी। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आभार व्यक्त करदा जिन्होंने भारत नूं माननीय मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर दिते हैं। तो क्या बीजेपी के लिए पंजाब ऑल क्लियर है? जवाब कुछ फैक्ट्स में।
पंजाब में भाजपा का मुख्य फोकस राम मंदिर, करतारपुर साहिब और राष्ट्रवाद पर है। पंजाब में जिन भी तीन लोकेशन, जालंधर, पठानकोट और अबोहर में प्रधानमंत्री ने रैलियां की, वो सारे के सारे हिंदू बाहुल क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में शुरू से ही पार्टी सक्रिय रही है। 2 दर्जन से ज्यादा हिंदू बाहुल क्षेत्रों में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। भाजपा ने 73 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, इनमें से 35 सीटों को जीतने का इरादा है और 23 ऐसी सीटें हैं जो पूरी तरह हिंदू बाहुल है। इस दौरान भाजपा करतारपुर कॉरिडोर के बहाने सिखों को साधने की कोशिश भी कर रही है। कि कितने आपको लग रहा है कि या आपकी जो पार्टी, जहाँ तक तो पटियाला का है वो तो मैं आज जानता हूँ, मैं घूमा हूँ एंड रिस्पॉन्स बड़ा प्यार दिया है पटियाला ने। बाकी अभी खबर, अब मैं रिंग करूंगा, सबको पता करूंगा पंजाब में क्या हो रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बयान दिया कि जो बिहारी हैं, उत्तर प्रदेश वाले हैं, उनको पंजाब में नहीं घुसने दें, तो किस तरह से देखते हैं, भले वो अपने बयान को अब यू टर्न ले रहे हो? ये जो बातें हैं देश तोड़ने की बातें हैं। यहाँ चाहे आप हो सिख, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, बोधी, जैनी, वट एवर, ये हिंदुस्तान के हम वशनीक हैं। एवरी वन हैज़ अ राइट टू बी हियर। और यहाँ ये जो बातें ऐसी करते हैं, या जैसे अंबिका सोनी ने बात की कि कोई हिंदू नहीं बन सकता पंजाब का चीफ मिनिस्टर, वाई? वी आर अ कंट्री नाउ, 70 साल हो गए इंडिपेंडेंस के बाद। ये बातें छोड़ो, कॉम्पिटेंस देखो, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको अब आगे आना चाहिए। आई कैन टेल यू दिस मच कि जिस तरीके से अभी पंजाब पिछले हफ्ते से चल रहा है, हम आई कैन नॉट से कितनी सीटें आएंगी, लेकिन हमारा गठजोड़ जो है वो विनिंग पोजिशन में आ गया। यानी मोदी इस बार पंजाब में इतने रन बनाने की ताक में है जो बीजेपी के इतिहास में किसी ने नहीं बनाए। मोदी के टाइम में ही ये मुमकिन हुआ कि हरियाणा में सिंगल डिजिट वाली पार्टी ने सरकार बनाई। हरियाणा और पंजाब दोनों पड़ोसी हैं, दोनों जगह किसान फैक्टर है, कहानी एक सी है, सिचुएशन एक सी है, तो क्या पंजाब में खेला हो रहा है? लड़ाई ऐसी तो नहीं कि कांग्रेस बनाम बीजेपी हो जाएगी? 2014 और 2019 में हरियाणा में किया, तो क्या 2022 में पंजाब में होगा? कांग्रेस कुर्सी बचाने की जंग लड़ रही है, लेकिन बीजेपी अगली सरकार बनाने या कम से कम मोदी लहर पर पांव जमाने की दमदार कोशिश करती दिख रही है, और इसमें भी मोदी ही सबसे बड़ा फैक्टर। अखिलेश यादव को अगली 2 रातों तक बड़ी मुश्किल से नींद आएगी, वजह है करहल। योगी आदित्यनाथ ने आज सबसे धुआंधार प्रचार कहीं किया तो वो जगह करहल है, जहां करीब 50% वोटर यादव और मुसलमान है। वहां पर भी बीजेपी एक नया प्लान लेकर आई है। योगी आदित्यनाथ आमतौर पर अपने भाषणों में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव का जिक्र बहुत कम ही करते हैं, लेकिन करहल में उन्होंने समाजवादी कुनबे के एक एक मेंबर का नाम गिना दिया। क्या करहल में अखिलेश को घेरना मुमकिन है? नेताओं के दावे सुनिए और इस दावे को ग्राउंड पर परखिए इस रिपोर्ट से। मैनपुरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराएगी। मैनपुरी है, करहल है, भोगांव है, किसनी है, चारों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सरकार किसकी बनने जा रही है आप जानकारी कर लो। पहले दूसरे चरण में ही शतक मार दिया है समाजवादी और आरएलडी ने। कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है नेताजी को। जहां 38% यादव हैं और 6% मुसलमान हैं, दोनों को मिला दें तो 44% हो जाते हैं। क्या वहां से अखिलेश यादव हार जाएंगे? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि करहल ही नहीं, अखिलेश मैनपुरी की चारों सीटें हार जाएंगे। करहल से योगी आदित्यनाथ को ऐसा कौन सा सिग्नल मिला है कि योगी ने करहल को लेकर सबसे बड़ी भविष्यवाणी कर दी? मैनपुरी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी 4 की 4 सीटों पर अपनी विजय पताका फहराएगी। मैनपुरी है, करहल है, भोगांव है, किसनी है, चारों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। करहल में आखिर क्या चल रहा है, करहल के मन में क्या है, आज आपको करहल की इस ग्राउंड रिपोर्ट में सारे जवाब मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले बात उस तस्वीर की जो मैनपुरी से निकली और पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। यूपी में इस वक्त इसी तस्वीर की सबसे ज्यादा चर्चा है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब इटावा में अखिलेश यादव एक दिन पहले रोड शो कर रहे थे।
अखिलेश के चुनावी रथ में सोफे जैसी वीआईपी सीट पर मुलायम सिंह यादव बैठे थे, उनके बगल में एक बेंच जैसी सीट पर अखिलेश यादव बैठे थे, लेकिन अखिलेश के चाचा शिवपाल सोफे के हत्थे पर बैठे थे। और योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मंच से इसी तस्वीर पर सबसे जोरदार चुटकी दी। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कहां एक प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपाहसालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्ता मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्ता। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। योगी ने जैसे ही कहा, शिवपाल यादव मुंह लटकाए बैठे हुए थे, शिवपाल तुरंत सामने आ गए, ट्वीट करके इसे बीजेपी की बौखलाहट बता दी और इस तस्वीर को समाजवादी एकता का प्रतीक बताया। योगी आदित्यनाथ थे करहल में, उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव जो आपके चाचा है उनको कुर्सी पर जगह नहीं मिली, उन्हें कुर्सी के हत्थे पर बिठाया गया है। ये हो सकता भारतीय जनता पार्टी के अंदर शिष्टाचार ना हो। अगर आदरणीय चाचा जी माननीय नेताजी के साथ बैठे थे तो मैं समझता हूँ हम समाजवादियों समाजवादी लोगों के दिलों में जहन में और आदत में है संस्कार। मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। अमित शाह भी कल यहाँ पे थे, वो भी लगातार यही बात कह रहे थे कि इतनी उम्र में अखिलेश जी को नेताजी को लाना पड़ा यहाँ पे चुनाव प्रचार। नेताजी सक्रिय राजनीति में, नेताजी हर दिन लोकसभा में हर कार्रवाई में भाग लेते हैं और नेताजी का क्षेत्र है करहल, नेताजी का परिवार है यहीं बगल के जैन कॉलेज में। ये जो बगल में 25 मीटर पे जैन कॉलेज है, इसी जैन कॉलेज में नेताजी पढ़े हैं, नेताजी ने पढ़ाया है और अब माननीय अखिलेश जी ने घोषणा किया है कि जैन कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। लेकिन सवाल एक तस्वीर का नहीं है, सवाल पूरे करहल का है। योगी की इस थ्योरी के पीछे करहल का गैर यादव वोट बैंक है। करहल की ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि ऐसा नहीं है कि समाजवादी गढ़ होने का मतलब है कि यहां एक तरफ वोट समाजवादी पार्टी को जाता है। करहल में भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा है जो गैर यादव है और पिछले तमाम चुनाव में बीजेपी को वोट करता आया है। पूरे करहल में इस वक्त यही चर्चा का विषय है कि क्या अखिलेश चुनाव जीतेंगे या फिर एसपी बघेल बाजी मार जाएंगे। लोग जो हैं वो हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम चाचा पूरा? मेरा नाम रामेश्वर दयाल। कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से अभी अंदाजे यही तो नहीं लगा पाएंगे। आपको क्या लगता है किसको जीतना चाहिए? किसको जीतना तो चाहिए वैसे बघेल को। पूरा नाम बताइए। श्री राम सेवक साक। किसको यहाँ से वोट पड़ेगा? हाँ, यहाँ से सब फूल में ही वोट पड़ेंगे। क्यों ऐसा? फूल में क्यों है? फूल में क्यों? यहाँ गुंडागर्दी ज्यादा होती है यादव लोगों की। अच्छा। हर बात में गुंडागर्दी उनकी होती है। ऐसे जब गुंडागर्दी कहाँ तक चले, कब तक चलेगी उनकी? ऐसे पिछले 5 साल में कुछ गुंडागर्दी कम हुई? कम हो गई, बहुत कम हो गई। नेकाज में बहुत कम हो गई। अच्छा। सपा सरकार थी तब? सपा सरकार थी तब तो जबरदस्ती करते थे, जबरदस्ती खेतों जाड़ते, जबरदस्ती गैया चराते, जबरदस्ती उजाड़ खेत काटते और करते थे सीधी। ये बताइए किसका माहौल चल रहा है इधर? बराबर ही है दोनों का, सपा को भाजपा को। किसको जीतना चाहिए आपके मुताबिक? भाजपा को। क्यों ऐसा? वैसा कहा, मतलब वही बात इनने कही सोई। आप अपनी बात कही। यही है गुंडागर्दी बची है भाई, आराम से। गुंडागर्दी बड़ा मुद्दा है करहल में। वही ठीक है। नाम बताइए। कैलाश चंद। कौन जीतेगा यहाँ से? यहाँ से जीते चाहे कोई, हम तो सपा को वोट दिए। सपा को? हाँ। काहे कि हमारी न पेंशन बंदी, न आवास मिलो, हमें कुछ मिलो ना है, और बावे ना मिले तो कुछ ना हमें। क्या नाम साहब आपका? आसू। पूरा नाम बताइए। आसू साक। किसका जोर चल रहा है अभी करहल में, कौन जीतेगा? बीजेपी। क्यों? बीजेपी अच्छे काम की है। क्या क्या अच्छे काम किए? क्यों, सब कुछ कर रही है, पब्लिक को फ्री राशन दे रही है और बहुत काम की है। गुंडागर्दी नहीं है सरकार में, देख लो वहाँ पे किसी आदम ने कोई प्लॉट कब्जा किया है, किसी ने कहीं कोई प्लॉट कब्जा किया है। बहु बेटियाँ सुरक्षित हैं, लड़कियाँ कॉलेज जाती थी वहाँ पे रास्ते मंचले छेड़ते थे। कौन जीतेगा? एसपी बघेल साहब का कोई चांस लग रहा है? क्योंकि यहाँ पूरा चांस लग रहा है, यहाँ पे बीजेपी जीतेगी है, बहुत अच्छी जीत होगी उनकी। क्यों ऐसा?
क्यों, वो अच्छे नेता हैं और बढ़िया पार्टी है और अच्छा काम करते हैं। जहाँ भी वो सांसद हैं वहाँ का भी माहौल देखिए, उनका कितना अच्छा माहौल रहे। यहाँ पर भी उनकी सभा थी दो दिन पहले, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, अधिक से अधिक जनता उन्हीं को चाह रही है। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इस इलाके में जितना काम हुआ है सब अखिलेश यादव ने किया। कुछ नहीं हुआ है, पाँच साल पहले क्या विकास था, आज देखिए कितना अच्छा विकास है। कौन जीतेगा चुनाव यहाँ? भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश के लोग तो कह रहे हैं कि आराम से जीत जाएंगे, वो बहुत वोटों से। 10 तारीख को सब दिखाई देगा, उसमें कोई शक थोड़ी। हम चिल्लाए खड़े होके कि भैया भाजपा भाजपा तो या फिर सपा सपा, इससे थोड़ी कुछ होना है। जो तो जनता निर्णय लेगा ना कि उनको इसको क्या करना है क्या। लेकिन ऐसा कर दिया भाजपा ने कि आप कह रहे हैं कि भाजपा जीते? भाजपा ने ऐसा क्या किया नहीं है वो आप हमें बताइए। 5 बातें बताइए जो उन्होंने किया भाजपा ने। राशन नंबर 1, भ्रष्टाचार, लेडी सुरक्षा, शौचालय, किसान सम्मान निधि, आवास। करहल में दो तरफ के वोटर हैं, एक समाजवादी माइंडेड और दूसरे बीजेपी माइंडेड। 1,44,000 यादव और 14,000 मुसलमान, ये वोट बैंक है जिसे अखिलेश अपना मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शाक्य, बघेल, ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य वोटर भी हैं, जो ज्यादातर बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। करहल के कास्ट फैक्टर के मुताबिक यहां यादव वोटर्स के बाद दूसरे नंबर पर शाक्य, बघेल और ठाकुर वोटर्स हैं। बघेल वोटर्स की संख्या इस इलाके में 30,000 के करीब है। बीजेपी के उम्मीदवार एसपी बघेल इसी समुदाय से आते हैं। इसके अलावा ठाकुर और शाक्य वोटर बीजेपी का कोर वोटर रहा है। बीजेपी ब्राह्मण और वैश्य वोटर्स को भी अपना मानकर चल रही है। करहल की महान जनता को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। एक दिन पहले अमित शाह ने इसी करहल से बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, करहल से अखिलेश को हरा दो, 300 सीट हम यूं ही जीत जाएंगे। भाई तो 300 सीट जीतनी पड़ेगी ना। मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, बोलो। 300 सीट जीतने की जरूरत नहीं है। 300 सीट का काम एक ही सीट से हो सकता है, समझ रहे हैं? अरे करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? जोर से बोलो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? करोगे या नहीं करोगे? अमित शाह ने करहल में जो कुछ कहा उसका मतलब समझना जरूरी है। करहल में अखिलेश यादव के हारने का मतलब है कि पूरे यूपी में इसका संदेश, मतलब ये कि जहां यादव और मुसलमान मिलकर 44% वोटर हैं, अगर वहां अखिलेश हार जाएंगे तो यूपी कैसे जीतेंगे। करहल से अखिलेश कमजोर पड़े तो उसका मतलब ये होगा कि सारे यादव उनके साथ नहीं है। एक थ्योरी कहती है कि मैनपुरी वाले इस पूरे इलाके में यादव में भी दो गोत्र हैं, घोसी और कमरिया। कहते हैं इसमें 70% घोसी हैं और 30% कमरिया। कहते हैं यादव समाज के इन दो प्रमुख गोत्र कमरिया और घोसी में काफी पहले तनातनी भी देखी जाती थी। पूरे मैनपुरी में अगर हम बताएं यादव वोटर्स कितने हैं, पूरे मैनपुरी में लगभग 4 लाख यादव वोटर है। 4 लाख। इसमें अगर घोषी और कमरिया की बात करें तो अगर मोटा मोटी परसेंटेज वाइज तो कितना, 60-40 का रेशियो होगा। 60 कौन, 40 कौन? 60 घोषी होगा, 40 कमरिया होगा। मुलायम सिंह यादव आज की तारीख में यूपी में यादवों के सबसे बड़े नेता हैं। मैनपुरी के लोग बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव कमरिया वर्ग से आते हैं, लेकिन 70% हिस्सा घोसी गोत्र का होने के बावजूद इस वर्ग से कोई बड़ा नेता नहीं उभरा। कुछ लोगों का मानना है कि इसे लेकर घोसी गोत्र के यादवों के मन में मलाल भी रहा। लेकिन क्या इस बार के चुनाव में जमीन पर ऐसा कुछ दिखता है, इसे लेकर इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर राजेश कुमार ने मैनपुरी के यादवों से बात की। जो आरएसएस की स्कूल है, जो आरएसएस का स्कूल है, उससे निकले लोग डिवीजन फैलाने के लिए यहाँ आते हैं। पहली बार नवासी में लोग कुछ लोग उठाते हैं, फिर कुछ लोग उठाते हैं घोसी कमरियाबाद उठाते हैं कि हम घोसियों के नेता हैं, माननीय नेताजी फलाने लोगों के कमरिया का नेता हैं। जबकि वास्तविकता में सत्य है कि माननीय नेताजी आज नहीं, जिस दिन पहली बार मुख्यमंत्री बने या जिस दिन पहली बार एमएलए बने, उस दिन से वो यादवों की सभी शाखाओं के नेता हैं। सवाल यादवों का ही नहीं है, मुसलमानों में भी एक हिस्सा ऐसा है जो अखिलेश का ब्लाइंड सपोर्टर नहीं है।
इसी में पसमानदा मुसलमान भी आते हैं। मुसलमानों में 15% ऊंची जाति के होते हैं तो 85% बैकवर्ड और दलित कैटेगरी में आते हैं। इसी 85% मुसलमानों को पसमानदा मुसलमान कहते हैं। मैनपुरी जिले में भी पसमानदा मुसलमानों की एक बस्ती है। वहां इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर राजेश कुमार जब पहुंचे तो उसमें भी कई बीजेपी समर्थक मुसलमान नजर आए। बीजेपी की नजर हमेशा से मुसलमानों के इसी वर्ग पर रही है जो समाजवादी पार्टी का कैडर नहीं है और योगी सरकार में हुए काम पर भी बात करता है। नाम क्या? हमारा नाम महफूज अली। महफूज अली साहब, क्या लगता है समाजवादी पार्टी बेहतर सरकार देगी आप लोगों के लिए या बीजेपी बेहतर सरकार देगी? हमारा भाजपा है। भाजपा? भाजपा क्यों ऐसा? अभी तो ये सरकार है, जैसे मोहम्मद है। नहीं नहीं, अच्छा क्यों बोल रहे भाजपा को? उसके पीछे कोई वजह हो गया ना, कोई कारण? कोई वजह नहीं, कोई वजह नहीं। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं? नहीं ऐसी बात नहीं। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं चाहिए? अरे चाहिए क्या, वो तो फिरोजवादी सब है, अब क्या करा जाए बताओ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।